राजभवन और बिहार शिक्षा विभाग में लगातार तकरार देखी जा रही है। अब के पाठक ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय समेत सभी विश्वविद्यालयों की कुलपतियों का वेतन रोक दिया है। इतना ही नहीं, बैंक अकाउंट के संचालन पर भी रोक लगा दी है। सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों, परीक्षा नियंत्रकों व कुल सचिवों के वेतन पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही दो दिनों में जवाब भी मांगा गया है। दरअसल शिक्षा विभाग ने 28 फरवरी को बैठक बुलाई थी। परीक्षा कार्यों की समीक्षा समेत कई मुद्दों को लेकर बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कुलपतियों, कुल सचिवों, नियंत्रकों को बुलाया गया था, लेकिन राजभवन के आदेश के बाद किसी विश्वविद्यालय के अधिकारी बैठक में शामिल नहीं हुए। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने बताया कि शिक्षा विभाग से बैठक के लिए लेटर आया था, लेकिन इस बीच राज्यपाल सचिवालय से पहले चिट्ठी मिल चुकी थी कि इस मीटिंग में नहीं जाना है। हमसे पूछा भी गया तो हमने उसी लेटर का रेफरेंस भी दिया। अब उन लोगों ने वेतन बंद कर दिया, हमारे अकाउंट को सीज कर दिया, सभी विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार व परीक्षा नियंत्रक का वेतन रोक दिया गया। दो दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है, ये डिसीजन ठीक नहीं है। हम राजभवन की ही ना बात मानेंगे। कुछ नहीं है, शिक्षा विभाग के आई थी, हम लोगों को राज्यपाल सचिवालय से ऑलरेडी पहले चिट्ठी मिल चुकी थी कि आपको इस मीटिंग में नहीं जाना। ऑलरेडी उन लोगों ने फ़ोन करके हमारे रजिस्ट्रार साहब से पूछा भी था कि क्यों नहीं आए। हमने उस पत्र का रेफरेंस दे दिया और लिख दिया कि इसके कारण मतलब हम लोगों को ऑलरेडी उस मीटिंग में नहीं जाना है। ठीक है, तो नहीं जाना, हम लोग नहीं गए। उसके बाद में उन लोगों ने हम लोगों का वेतन बंद कर दिया, हमारे अकाउंट को सीज कर दिया। हमारा ही नहीं, पूरे बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, रजिस्ट्रार और परीक्षा कंट्रोलर, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, सभी का वेतन को रोक दिया गया है। दो दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है और सभी खातों का संचालन जो है वो रोक दिया है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि न सिर्फ तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय सीनेट की तैयारी में जुटा है, बल्कि और भी 5-6 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पर मतलब सीनेट की मीटिंग ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है राजभवन, और इस कार्यक्रम के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, MLC आते हैं, विधायक आते हैं, है ना, और बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। सीनेट की मीटिंग में लाखों का खर्च होता है, तो जब हमारा अकाउंट सीज हो जाएगा तो इसका प्रभाव जरूर ही दिखेगा। तो यह जो डिसीजन लिया गया हार्स में और अभी जो लिया गया, मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। आप लोग तो महामहिम राज्यपाल के अंदर हैं। यस, मैं उनकी बात मानूंगा, उनके द्वारा जो आदेश होता है पहले उसको ध्यान में। वहीं कुलपति ने ये भी बताया कि विश्वविद्यालय के सीनेट की मीटिंग है, जिसके लिए वो निरीक्षण करने आए हैं ताकि आगामी मीटिंग में कोई चूक न हो। यस, जो हमारे विश्वविद्यालय के सीनेट की मीटिंग है, उसमें माननीय राज्यपाल साहब कुलाधिपति आने वाले हैं, तो उनके आगमन को ध्यान में रखते हुए जहां पर सीनेट की मीटिंग है उसका सब स्थल निरीक्षण, जहां पर वो रुकेंगे, थोड़े देर के लिए ठहरेंगे, उन सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं कि कहीं भी चूक नहीं रह जाए। और साथ ही साथ हमने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, इन दोनों को सूचना दी है कि आप इसको देख लें, खासकर जो विश्वविद्यालय में जो इनक्रोचमेंट आप लोग देख रहे होंगे विश्वविद्यालय के चारों तरफ। पिछले बार भी जब महामहिम का जब प्रोग्राम था तो और लोग इन लोगों ने सफाई कर दी, फिर सब वही हाल। फिर आप देखेंगे बस लगा हुआ, तो टेम्पो लगी हुई है, तो गाय और भैंस चल रहा है। उधर MBA डिपार्टमेंट जिसका उद्घाटन होना है, वहाँ ऑलरेडी सभी को झोपड़पट्टी को हटा दिया SDO साहब ने, बोला जिला प्रशासन ने बड़ी तत्परता से उस काम को किया था, फील्ड लगा हुआ है। तो आज हमने अपना प्रॉक्टर को कहा है कि आप पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन सभी को सूचित कर दें कि जहां भी इनक्रोचमेंट है विश्वविद्यालय के आसपास, है ना, उसको तुरंत क्लियर करें, क्योंकि अब ज़्यादा समय हम लोग के पास नहीं है, इसलिए सारा एरिया क्लियर होना चाहिए। जहां पर प्रोग्राम है उसकी सारी व्यवस्था के लिए हम लोग पूरे विश्वविद्यालय के हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं, ठाकुर सर हैं, सीनियर प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी और शिक्षक हैं, सब लोग मिलकर के देखने। बता दें कि शिक्षा विभाग ने 28 फरवरी को बैठक बुलाई थी, जिसमें बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक को शामिल होने के लिए कहा गया था।
इस बैठक में राजभवन के आदेश पर कोई भी कुलपति उपस्थित नहीं हुए थे। राजभवन ने पहले इससे संबंधित निर्देश सभी विश्वविद्यालयों को भेजे थे। भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट।